तो दोस्तों अभी आपके सामने जेमी सुसन 24 के ये क्वेश्चन जो कि है कि कौन SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो SN1 रिएक्शन जानने से पहले, ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको बता दूं SN1 सबसे पहले होता क्या है। तो SN1 मान लीजिए मेरे पास कोई R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप है, कोई भी कार्बन का ग्रुप है और उसके साथ एक्स लगा हुआ है, कोई भी एक्स लगा हुआ है। तो और एक्स ये क्या है, एक्स दोस्तों ऐसा ग्रुप है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। एक्स कौन सा ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, ये इलेक्ट्रॉन से ये प्यार नहीं करते, माफ कीजिएगा, ये दोस्तों पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपको न्यूक्लियस में होता है और यहाँ पर कोई बाई है, तो हमें सब्सटीट्यूशन करवाना है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बंद करवाना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों ये जो एक न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन निकल आपका निकल जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है और क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, उसके बाद ये जो है यहाँ पर आ जाता है और आर वाई बन जाता है, यानी कि एक्स माइनस जो है निकल जाता है सबसे पहले, आपका जो पहला वाला न्यूक्लियोफाइल का निकल जाता है और बाद में नया वाला न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन में थोड़े समय के लिए, वो दोस्तों कार्बोकैटायन हम उसको कहते हैं। तो अगर दोस्तों कार्बोकैटायन आपका स्टेबल है, अगर कार्बोकैटायन दोस्तों आपका स्टेबल है तभी ये रिएक्शन दोस्तों हो पाएगी, अगर ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी। तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जरूर देखना होता है SN1 में, कंपैरिजन का भी आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं। पहले क्या था, पहले हमको ये दिया था दोस्तों, ये था आपका CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपका ये था। तो ये दोस्तों आपका स्टेबल है, क्यों, यहाँ पर डबल बॉन्ड दोस्तों आपका इधर था, डबल बॉन्ड आपका इधर था, तो ये स्टेबल है, क्यों, यहाँ पर ये CH2Cl या ये आपका था CH2Cl था, तो ये आपका स्टेबल है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से Cl को हटा दूँ, अगर मैं Cl को हटा दूँ, क्योंकि Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब अब ये स्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है। अब यहाँ से रेजोनेंस हो सकता है क्योंकि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बहुत आसानी से अब यहाँ पर रेजोनेंस आपका हो सकता है, यहाँ पे बहुत आसानी से रेजोनेंस हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ये आपका स्टेबल हो गया, इसको हम कहते हैं अलाइलिक कार्बोकैटायन, क्योंकि अगर कार्बन के बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कहते हैं अलाइलिक कार्बोकैटायन। तो ये आपको दोस्तों क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको दिया था ये, इसके बाद दिया था आपको बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा था CH2 के बाद नीचे लगा था Cl। तो यहाँ पर अगर मैं Cl को हटा दूँ, Cl आपका चला गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, CH2 के ऊपर आ गया प्लस, तो ये भी आपका क्या, स्टेबल है, ये भी क्या है, स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, बेंजीन उसके साथ रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, SN1 दे देंगे, ये दोनों SN1 दे देंगे। हमें किसको ढूंढना है जो SN1 नहीं देगा। तो अब हम सी को देखते हैं, सी क्या था आपका, ये आपका ये सी डबल वन सी था और यहाँ पे ए सी एल लगा था, यहाँ पर एक सी एल लगा था, और सी एल को अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो देखिएगा कि सी एल को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आपको ध्यान रखना है, अगर विनाइलिक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी कि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर ये दोस्तों हो जाता है आपका अनस्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं अनस्टेबल, जैसे डबल बॉन्ड के ऊपर एल्कोहल अनस्टेबल होता है वैसे ही डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अनस्टेबल। तो अब ये है अनस्टेबल, मतलब ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो बीच की स्टेज है वो आपकी अनस्टेबल है, तो ये आपका SN1 नहीं देगा, तो यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं, डी क्या था आपका, डी तो बहुत ही स्टेबल आपका कार्बोकैटायन बनता है, ये आपको दिया था, ये आपको दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं सीयर को यहाँ से हटा दूँ, सीयर को यहाँ से मैं दोस्तों हटा दूँ, तो ये आपका अच्छा खासा बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये भी आपका CH3 है, तो यहाँ पर एक तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है आपके, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ये CH3, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन और ये
ये बेंजीन वाले कार्बोकेटायन से भी आपका ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो है आपका अच्छा खासा स्टेबल है, आपका ये प्लस आई से भी स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी देंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो वो भी SN1 रिएक्शन दे देगा। तो इसीलिए थर्ड वाला नहीं देगा। तो आपको SN1 में ये देखना है कि स्टेबिलिटी क्या है कार्बोकेटायन की। अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा, वो क्या ज्यादा प्रेफर करेगा SN2। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और JEE के PY क्विज़ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।